वॉम वेलकम एवरीवन आई एम दीपमाला शर्मा और आज हम क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए उनकी मेन रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेवेंथ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया इस चैप्टर के बेसिकली तीन पार्ट्स हैं अ बेक फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रॉड्रिक्स कुर्क बाय लोकेश एब्रॉल एंड टी फ्रॉम असम बाय अरूप कुमार दत्ता तो जैसा कि आपने देखा ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया इस चैप्टर के ये तीन पार्ट्स हैं तो ये बेसिकली तीन पार्ट्स जो हैं ये अलग अलग तीन स्टेट्स के बारे में उनकी स्पेशलिटी के बारे में उनके कस्टम्स के बारे में रिचुअल्स के बारे में वहां पर क्या चीज़ें फेमस हैं इन सब चीजों के बारे में हमें बताते हैं राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर और सबसे पहले देखते हैं इसका पार्ट फर्स्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रोट्रिक्स सबसे पहले इस चैप्टर के टाइटल को देखिए बेकर फ्रॉम गोवा बेकर का क्या मतलब है बेकर का मतलब ऐसा इंसान होता है जो बेसिकली ब्रेड्स केक्स ये सब बनाता है राइट और गोवा गोवा के बारे में आप जानते ही हो कि गोवा हमारे कंट्री का एक स्टेट है राइट तो आप ये इंडिया का मैप यहाँ पर देख सकते हैं एंड इसमें ये यहाँ पर गोवा है राइट अब गोवा के बारे में एक चीज़ मैं आपको जरूर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी कि गोवा जो है दरअसल इस पर पहले पोर्चुगीज का राज था ओके पोर्चुगीज इसके ऊपर शासन करते थे जैसे हमारा जो इंडिया है ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पर कुछ पार्ट्स को छोड़ दें तो अंग्रेजों का शासन था लेकिन उस समय गोवा के ऊपर बेसिकली पोर्चुगीज का शासन था पुर्तगालियों का शासन था और गोवा जो है पुर्तगालियों के शासन से 1961 में आजाद हुआ है तो बेसिकली राइटर जो हैं उन्हीं दिनों की बात कर रहे हैं जब गोवा में पुर्तगालियों का शासन था और उस समय राइटर जो हैं वो एक छोटे बच्चे थे वो किस तरह से बेकर के बारे में हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं बेकर उनके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता था बेकर जो ब्रेड बनाता था उसे बेचने के लिए उनके घर पर आता था तो उसके पीछे क्या खास बात होती थी ये सब एक्सपीरियंस ऑथर हमसे शेयर कर रहे हैं इस पार्ट फर्स्ट में अ बेकर फ्रॉम गोवा बाइलूसियो रॉड्रिक्स पढ़ेंगे अभी हम और ये जो है बेसिकली ये फर्स्ट पार्ट है हमारे सेवन चैप्टर का जिसका टाइटल है ग्लिम्स ऑफ इंडिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर चैप्टर को बेसिकली मैंने समझाने के लिए यहाँ कुछ नोट्स बनाए हैं और इन्हीं नोट्स के थ्रू कुछ हेडिंग्स हैं ओके okay? फिर उसके बाद उनके एक्सप्लेशंस हैं इसके हिसाब से मैं आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन कराऊंगी तो देखिए सबसे पहले ब्रेड मेकिंग इन गोवा This is a pen portrait of the traditional Goan village baker who is still remembered by the Goans. तो ये जो बेसिकली चैप्टर है ये एक पेन पोर्ट्रेट है पोर्ट्रेट का मतलब आप जानते ही हो कोई भी drawing, पेंटिंग ओके okay? तो drawing, पेंटिंग बेसिकली आपको पता है वैसे तो कलर्स से स्केचेस से इनसे होती है राइट right? लेकिन यहाँ पर ये पेन पोर्ट्रेट है पेन पोर्ट्रेट का मतलब एक वर्बल डिस्क्रिप्शन है किसका ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर का कि गोवा के विलेजेस में जो बेकर पाए जाते थे या अब भी पाए जाते हैं उनका और आज भी उन्हें याद रखा जाता है गोवा के लोग जो हैं वो आज भी उन दिनों को याद रखते हैं उन बेकर्स को याद रखते हैं जब वो बेकर्स जो है ब्रेड बनाते थे और उस ब्रेड को ये सब लोग एन्जॉय करते थे ब्रेड मेकिंग स्टार्टेड फ्रॉम द पोर्चुगीज़ डेज और ये जो ब्रेड मेकिंग की जो प्रोसेस है ये उन दिनों से शुरू हुई थी जब पॉर्चुगीज़ गोवा पर रूल करते थे देवर द लवर्स ऑफ ब्रेड जो पॉर्चुगीज़ थे उन्हें ब्रेड्स बहुत पसंद थी और गोवा के लोगों को भी हम कह सकते हैं कि ब्रेड बहुत पसंद थी ब्रेड मेकिंग वॉज एन आर्ट विच नीडिड परफेक्शन एक इस तरह की आर्ट थी जिसमें परफेक्शन होना बहुत जरूरी था किस तरह से कि मिक्सिंग मोल्डिंग एंड बेकिंग वर द एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ मेकिंग अ ब्रेड तो इसके लिए क्या किया जाता था ब्रेड को बनाने के लिए कि सबसे पहले तो मिक्सिंग की जाती थी फिर उसके बाद उन्हें मोल्डर्स में से निकालकर अलग अलग शेप्स दी जाती थी एंड फिर आफ्टरवर्ड्स उसकी बेकिंग की जाती थी और इस तरह से बाद में फर्निस में बेक करके ब्रेड को बनाया जाता था तो एक कंप्लीट प्रोसेस जो है ये लगती थी ब्रेड मेकिंग में ओके okay, सबसे पहले मिक्सिंग फिर मोल्डिंग और फिर उसे जैसे पकाया जाता था बेक किया जाता था द टाइम टेस्टेड फर्नेसेस दिस प्रोफेशन हैज बीन कंटिन्यूड बाय द डिसेंडेंट्स एंड आज भी ये जो प्रोसेस है इसे उनके जो डिसेंडेंट थे मींस हालांकि वो जो पोर्चुगीज़ टाइम में जो बेकर्स थे वो तो ऑब्वियसली अब मर चुके हैं लेकिन आज जो उनके डिसेंडेंट्स हैं उनके जो बच्चे हैं उन्होंने आज भी इस कस्टम को लगातार चला रखा है कि वो किस तरह से ब्रेड्स को पहले मिक्स करते हैं डो को फिर उसको मोल्ड करके और उसको अलग अलग शेप देते हैं एंड फिर फर्नेस में बेक करके वो ब्रेड्स को बनाते हैं नाउ ऑथर्स चाइल्ड हुड डेज आर रिकॉर्ड हियर The writer remembers his childhood days when the baker used to be their friend, companion and guide. तो जो बेकर है राइटर ये कहते हैं कि उसके बचपन के दिनों में जो बेकर था वो बेसिकली उनका फ्रेंड भी होता था कंपेनियन भी होता था और गाइड भी होता था मीन्स बेकर्स की एक स्पेशल इंपॉर्टेंस होती थी एक स्पेशल जगह होती थी उनकी लाइफ में ही यूज टू विजिट ट्वाइस डे वो दो बार एक दिन में आता था एक बार तो सुबह वंस इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग हिस् सेलिंग आवर्स एंड देन अगेन वाइल रिटर्निंग आफ्टर सेलिंग ऑल हिज ब्रेड एक बार तो सुबह अपनी ब्रेड के साथ आता था बेचने के लिए और फिर वापसी में जाता था तो उसके सारे जो ब्रेड्स हैं वो बिक चुकी होती थी तो इस तरह से वो दो बार उनके घर पर आता था जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बेम्बू ही कैरिट वॉक देम अप इन द मॉर्निंग एंड दे रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम और वो जैसे उसकी जो बैम्बू थी मीन्स एक बांस की एक छड़ी थी उसके ऊपर उसने जिंगलिंग थर्ड यानी कि कुछ इस तरह की चीज़ लगा रखी थी जिससे कि कुछ साउंड क्रिएट होती थी और उसकी साउंड से जो बच्चे हैं वो जग जाते थे और उसके पास जाते थे उसे विश करते थे उसे ग्रीट करते थे दे रैन फॉर गेटिंग द ब्रेड बैंगल्स विच वर स्पेशली मेड स्वीट ब्रेड अब जो बच्चे थे उनको बेसिकली पसंद थी स्वीट ब्रेड से बनी हुई ब्रेड बेंगल्स ओके तो वो ब्रेड बैंगल्स के लिए उसके पास दौड़कर जाते थे सी दीज आर द पिक्चर्स ऑफ ब्रेड बैंगल्स अब देखिए द राइटर रिमेंबर्स चाइल्डहुड डेज द बेकर यूज टू बी देयर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड एंड ही टू विजिट ट्वाइस अ डे वंस इन द मॉर्निंग ज्यूरिंग हिज सेलिंग आवर्स एंड देन अगेन वेल रिटर्निंग आफ्टर सेलिंग ऑल हिज ब्रेड द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बैम्बू ही कैरिट वॉक देम अप इन द मॉर्निंग एंड दे रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम दे रैन फॉर गेटिंग द ब्रेड बैंगल्स विच वर अ स्पेशली मेड स्वीट ब्रेड

और बच्चे भी जो हैं वो भी दौड़ कर जाते थे जैसा कि अभी राइटर ने बताया था कि जैसे उसकी आवाज़ सुनती थी तो हम दौड़ कर जाते थे अपने ब्रेड बैंगल्स लेने के लिए तो बच्चे जैसे बीच में जाते बड़े पीछे आते लेने के लिए ब्रेड्स तो बच्चे जब बीच में आ जाते थे तो उनको थोड़ा सा हल्के से रिब्यू मतलब तो डांट कर उनको पीछे किया जाता था कि एक बार तुम पीछे हो जाओ और हमें जो है ब्रेड खरीदने दो बड़े ये बोलते थे लेकिन तो भी जो है बच्चे तो बच्चे ही होते हैं आपको पता है वो बीच में घुस जाते थे और जैसे किसी बेंचेस के ऊपर या खड़े होकर फिर वो झांकते थे उसकी बास्केट में कि क्या क्या किस किस तरह की ब्रेड्स जो हैं वो रखी हुई हैं और जो फिर जो बेकर है वो लोब्स को डिलीवर कर देता था मेड सर्वेंट को लोब्स का मतलब क्या है देखिए एल ओ ए एफ लोफ का मतलब ब्रेड ओके और लॉब्स का मतलब उसका प्लूरल हो गया राइट ऑथर रिकॉल्स दरोमा ऑफ द लोव दैट फील्ड दब ऑथर को याद आता है कि कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी खुशबू आती थी उन फ्रेशली बेड लोव्स ऑफ ब्रेड में से द चिल्ड्रेन वुड नॉट इवन ब्रश देस मेड ऑफ ब्रेड विथ टी अब जो बच्चे हैं वो तो बस इसी वेट में होते थे कि कैसे भी करके उनको जल्दी से ब्रेड बेंगल्स मिल जाए और वो उन्हें खा लें हालांकि वो उठते ही सुबह जगते ही उसकी आवाज़ से थे राइट तो वो इस चीज़ के लिए भी केयर नहीं करते थे कि उन्होंने ब्रश भी नहीं किया ओके तो ब्रश नहीं किया का क्या मतलब है दरअसल उस समय जो है आप देखिए पुराने टाइम की बात है तो वहाँ पर उस समय दातुन से ब्रश किया जाता था दातुन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी पेड़ की लकड़ी को तोड़कर उस लकड़ी का ही ब्रश बना लिया जाता था जैसे बेसिकली वैसे तो नीम की लकड़ी बहुत ज्यादा फेमस है इस चीज़ के लेकिन यहाँ पर जो ऑथर रेफर करते हैं वो रेफर करते हैं मैंगो की जो लीव्स हैं उनकी जो लकड़ी है उसको कि भी कौन इतना कष्ट करे कि जाए और मैंगो की जो वो दातुन है उसको तोड़कर लाए और फिर अपने दांतों को ब्रश करे और फिर उसके बाद वो जो है ब्रेड बेंगल्स उनको खाने को मिले तो वो इतना भी वेट नहीं कर पाते थे कि मैंगो लीव्स को तोड़कर उनसे ब्रश करके अपने दांतों को साफ करके वो ब्रेड बेंगल्स को एंजॉय करें वो तो बस जल्दी से ब्रेड बेंगल्स को खा लेना चाहते थे और इसके लिए ऑथर ये आर्ग्यूमेंट भी देते हैं कि वैसे भी शेर कब अपना जैसे मान लीजिए ब्रश करता है या मूध होता है राइट एंड साथ में जो है वो ये भी ऐड करते हैं कि जो ब्रेड uh, बेंगल्स uh, को खाने के बाद ऊपर से अगर वो हॉट कप ऑफ टी पी लेंगे गर्मा गर्म चाय पी लेंगे तो वैसे भी वो जो गर्म चाय है वो सब कुछ अंदर का नीट एंड क्लीन कर देगी तो ये सब एक्सक्यूजेस देता है ऑथर ये बताने के लिए कि उसको जो ब्रेड बेंगल्स हैं या सब बच्चों को जो ब्रेड बेंगल्स हैं वो कितने पसंद आते थे इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेड इन ट्रेडिशनल सेरेमनीज इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो उस समय की जो ट्रेडिशनल सेरेमनीज थी उसमें ब्रेड्स की कितनी इम्पोर्टेंस होती थी देखिए जो भी कुछ उस समय सेलिब्रेट किया जाता था कोई भी फंक्शंस होते थे सेरेमनीज होती थी उस पर ब्रेड का कोई ना कोई आइटम तो बनाया ही जाता था देखिए द वेरियस काइंड ऑफ ब्रेड वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ओकेजन्स अलग अलग तरह की ब्रेड्स थी जो सभी ओकेजन्स के लिए बहुत खास अहम रखती थी महत्व रखती थी नो मैरिज वॉज कंप्लीट अनटिल एंड अनलेस अ ट्रेडिशनल बॉल वॉज सर्व्ड तो मैरिजेस में स्पेशली बॉल ये एक तरह की विशेष ब्रेड होती है ओके okay, उसे सर्व किया जाता था द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स एंगेजमेंट ओके एंड बोलिनास वुड बी प्रिपेयर फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स तो यदि मान लीजिए किसी की लड़के की जैसे मान लीजिए एंगेजमेंट हुई है तो सैंडविचेस बनाए जाते थे और क्रिसमस पर स्पेशली बोलिनास ये भी एक तरह की ब्रेड होती है इसे बनाया जाता था तो अलग अलग सेरेमनीज के लिए ट्रेडिशनल सेरेमनीज़ के लिए अलग अलग तरह की जो ब्रेड है उसे प्रिपेयर किया जाता था अब ऑथर बताते हैं हमें बेकर की ड्रेस के बारे में कि जो बेकर जो ड्रेस है वो किस तरह की पहनता था देखिए द बेकर वॉज यूजअली ड्रेस्ड इन अ कबाई ओके okay? तो ये कबाई जो है ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो बेकर जो ड्रेस पहनता था उसका क्या नाम था राइट right? तो कबाई ये वर्ड आपको याद रखना है क्या होता था कबाई अ लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज और अ शर्ट एंड अ ट्राउजर्स विद विच व शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पेंट्स तो एक लॉन्ग फ्रॉक होती थी okay, जो कि घुटनों से नीचे तक जाती थी और एक शर्ट भी हो सकती थी ठीक है और साथ में ट्राउजर्स जो थे यानि पजामा टाइप से जो था वो फुल्थ uh, से तो छोटी होती थी लेकिन हाफ पैंट से थोड़ी सी लंबी होती थी तो इस तरह की ड्रेस बेकर uh, उस समय पहनते थे जिसे क्या बोलते थे कबाई इवन टूडे फैन इवन डियो गो आउट इन द स्ट्रीट वियरिंग हाफ पेंट ही पेडर मीन्स बेकर तो अब भी अगर मान लीजिए कोई इस तरह की ड्रेस पहनकर गलियों में वहां से निकलता है तो उसे एक पैडर कहा जाता है यानी कि बेकर कहा जाता है तो आप देखिए बेकर जो ड्रेस डालते थे उसे बोलते थे कबाई और जो बेकर थे उस समय उनको बोला जाता था यस पैडर ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता था कि बेकर्स को किस नाम से जाना जाता था तो बेकर्स को पैडर के नाम से जाना जाता था ब्रेड मेकिंग अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ तो ब्रेड मेकिंग जो थी वो काफ़ी किफायती और काफ़ी ज़्यादा मतलब लाभदायक प्रोफेशन था बड़ा अच्छा रिच प्रोफेशन कंसिडर किया जाता था उन दिनों में बेकर जो था वो महीने के एंड में अपने बिल्स को कलेक्ट करने के लिए आता था ऑल द अकाउंट्स व रिटर्न ऑन सम वॉल इन द प्रेमसिस विद अ पेंसिल और घरों में जो ब्रेड का जो हिसाब है कि भी कितने ब्रेड किस दिन आए ओके okay, किस तरह से आए तो वो सब जो निशान वो सब जो है वो लिखा जाता था वॉल के ऊपर दीवारों के ऊपर लिख लेते थे पेंसिल से ओके okay. फिर देखिए इट वॉज प्रोफिटेबल प्रोफेशन ज्यूरिंग दोजेज बिकॉज पॉर्चुगीजर लवर्स ऑफ फ्रेश बेक्ड लॉब्स तो उस समय फ्रेश बेग्ड लॉब्स की बहुत डिमांड होती थी ताज़ा बने हुए ब्रेड्स को हर कोई पसंद करता था पॉर्चुगेज लोगों से इसकी शुरुआत हुई थी और इसीलिए जो ब्रेड मेकिंग का जो काम है उसे भी बहुत ही रिच प्रोफेशन है कंसिडर किया जाता था प्रॉफिटेबल प्रोफेशन कंसिडर किया जाता था द बेकर हेज फैमिली मेम्बर्स एंड एज सर्वेंट्स लुकड प्रॉस्परस एंड हैप्पी और इस तरह से जो बेकर था उसका जो परिवार था वो सब बहुत ही खुश लगते थे इवन जो ऑथर है वो बेकर आ, क्या आ, की जो मतलब उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी प्लम्प बॉडी होती थी ये बताते हैं फैट होता था हेल्दी लगता था ओके और उसे जैक फ्रूट से कंपेयर करते हैं और वो ये बताना चाहते हैं इस बात से कि बेकर जो है वो बहुत ही अच्छे से अपना काम करता था बड़ा अच्छा सा उसका प्रोफेशन चलता था सब लोग ब्रेड को ब्रेड मेकिंग को उस समय गोवा में एंजॉय करते थे और आज भी उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनके जो बच्चे हैं इसी प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं अगर आप कभी गोवा जाओगे तो आप भी देखोगे कि वहाँ पर ब्रेड से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी भी मिलती हैं दे आर इन ट्रेंड राइट नाउ इवन इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट हमारा इस चैप्टर का खत्म होता है एंड क्वेश्चन आंसर्स एज यूजुअल मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं फर्स्ट पार्ट के तो आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ओके okay, या फिर आप वीडियो को पोज करके इनको नोट डाउन भी कर सकते हो ये सभी एन के सोल्यूशंस हैं जो मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किए हैं एंड ईच एंड एवरी थिंग हैज़ बीन एक्सप्लेनड इन माई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर ये फर्स्ट पार्ट अभी हमारा कंटिन्यूड है और ये देखिए यहाँ तक इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं राइट ये था इसका लास्ट क्वेश्चन अब हम आ जाते हैं पार्ट सेकेंड पर पार्ट सेकेंड कुर्क बाय लोकेश एप्रॉल अब देखिए अभी तो हमने गोवा के बारे में पढ़ा था राइट गोवा को मैंने मेंशन किया था अपने इंडिया के मैप पर और अब हम देख लेते हैं एक बार कुर्ग ये दरअसल एक जैसे हम ये कहेंगे कि कर्नाटक में है ये हमारा स्टेट है कर्नाटक सी द मैप ऑफ इंडिया ओके दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया एंड दिस इज द स्टेट कर्नाटक और इस कर्नाटक में ही जो है क्या है कुर्ग है और ये एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में ओके okay? अब देखते हैं चैप्टर को स्टार्ट करते हैं देखिए कुर्क हेवनली प्लेस तो सबसे पहले जो है ऑथर ने कुर्क को किस तरह से डिस्क्राइब किया है कि ये एक हेवनली प्लेस है ऐसा लगता है कि अगर आप कुर्क में चले जाओ कि जैसे आप स्वर्ग में आ गए हो जन्नत में आ गए हो कैसे देखिए कुर्क डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका लाइज बिटवीन द टाउन्स ऑफ मैसूर एंड मैंगलोर अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि कुर्क जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का वो दरअसल मैसूर और मैंगलोर के बीच में है राइट अब आप इस मैप को देखिए ध्यान से ये देखिए इसमें मैं और थोड़ा जूम कर देती हूं ये देखिए ये मैंगलोर है एंड दिस इज मैसूर तो मैंगलोर और मैसूर के बीच में है कुर्क एंड कुर्क किस स्टेट में है मैंने जस्ट आप अभी आपको बताया था यस yes, कुर्क इज इन कर्नाटक स्टेट ओके कुर्क कर्नाटक स्टेट में है और कुर्क खुद एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का कर्नाटक का जो कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कई बार पूछ लेते हैं कि वेयर इज कुर्क सिचुएटेड राइट तो कुल्क डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका लाइज बिटवीन द टाउन्स ऑफ मैसूर एंड मैंगलोर इट इज़ लाइक अ हेवन ऑन अर्थ ओके ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल धरती पर स्वर्ग की तरह से बहुत खूबसूरत है इट इज़ इनहेबिटेड बाई मार्शल मैन ब्यूटिफुल वूमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स तो यहाँ पर क्या मिलते हैं मार्शल मैन के लिए फेमस है मार्शल मैन का मतलब मार्शल का मतलब होता है हु बिलोंग टू वॉर युद्ध से रिलेटेड ओके सेना से रिलेटेड और आप कह सकते आर्मी से रिलेटेड लोग जो हैं ओके रफ एंड टफ और ब्यूटीफुल वीमेन पाई जाती हैं बहुत सुंदर औरतें हैं यहाँ पर एंड वाइल्ड क्रीचर्स यानी कि बहुत ही जंगली जानवर या जंगली वनस्पति के लिए भी ये चीज़ें ये जो है फेमस है इट मस्ट द किंगडम ऑफ गॉड और ऑथर यहाँ तक तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये जो ये जो जगह है कुर्ग ऐसा लगता है कि जैसे भगवान का जो देश है भगवान का जो किंगडम है उसी में से एक ड्रिफ्ट करके बनी है उसी से रिलेटेड लगती है और आप इस मैप को देख सकते हो पूरे कर्नाटका स्टेट का मैप है और यहाँ पर देखिए ये डिस्ट्रिक्ट है ओके कुर्ग कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका वेदर और एनवायरमेंट देख लेते हैं यहाँ का किस चीज़ के लिए फेमस है कुर्क ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है इट एवरग्रीन फॉरेस्ट स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस, ओके तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं स्पाइसिस पाए जाते हैं एंड कॉफी प्लांटेशन के लिए ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये फेमस है द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्क स्टार्ट इन सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज अप और कुर्को विजिट करना है आपने तो सेप्टेंबर से मार्च के बीच में कभी भी जा सकते हो द वेदर इन कुर्क इज प्लेजेंट ड्यूरिंग दोज मंथ्स अब सेप्टेंबर से लेके मार्च तक का जो वेदर है कुर्क का वो बहुत ही प्लेजेंट होता है और एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगी क्योंकि काफी क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि कुर्क किस चीज़ के लिए फेमस है स्पाइसिस के लिए एंड कॉफी प्लांटेशन के लिए और रेन फॉरेस्ट के लिए नाउ पीपल ऑफ कुर्क के बारे में देख लेते हैं द पीपल हियर आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं बेसिकली वो ग्रीक और अरेबिक डिसेंट के हैं ग्रीक का मतलब यूनान ओके okay? ये ग्रीस से रिलेटेड हैं ग्रीक का मतलब यूनानी और अरेबिक अरब से संबंध रखने वाले तो ये देखिए ये वर्ल्ड का मैप है और यहाँ पर ये ग्रीस है और ये अरब है तो ऐसा माना जाता है ये देखिए ये ये एशिया है और यहाँ पर ये इंडिया है राइट तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है कर्नाटक uh, में जैसे ग्रीस और अरब से कुछ लोग आए थे और उन्हीं के ही डिसेंडेंट्स हैं यहाँ के अब जो रेजिडेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड एलेक्जेंडर्स आर्मी डिड नॉट रिटर्न एंड सेटल देयर तो एक ऐसा लेजेंड है जिसमें ये पता चलता है कि एलेक्जेंडर की जो आर्मी है वो जब एलेक्जेंडर ने ये स्टार्ट किया था कि वो पूरे विश्व को जीत लेगा ओके okay? इस तरह से उसने एक युद्ध बड़े स्तर का शुरू किया था तो जब यूनान से एलेक्जेंडर आया ग्रीस से अलेगजेंडर आया तो उसकी आर्मी का एक जैसे हिस्सा जो है आर्मी की एक टुकड़ी जो है वो यहीं पर ही रह गई थी कर्नाटक में ही और वो लोग यहीं पर ही सेटल हो गए थे यहीं पर ही आपस में उन्होंने शादी कर ली यहाँ के लोकल रेजिडेंट से और ऐसा माना जाता है कि ये उन्हीं के ही वंशज हैं दीज पीपल मैरिड अमंग द लोकल्स एंड देयर कल्चर कैन बी विटनेस्ड बाय देयर मार्शल ट्रेडिशंस मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स तो ये जो लोग हैं इन्होंने आपस में लोकल से शादी कर ली और फिर उनकी जो कल्चर है वो अब देखी जा सकती है कि किस तरह से अरब से जुड़ी हुई है ग्रीस से जुड़ी हुई है क्योंकि उनके जो मार्शल ट्रेडिशंस हैं मींस उनका जो युद्ध लड़ने का तरीका है मैरिज़ के जो ट्रेडिशंस हैं और दूसरे जो उनके रिलीजियस राइट्स हैं कस्टम्स हैं वो किस तरह से ग्रीस से मिलते जुलते हैं ओके okay? इसीलिए ऐसा समझा जाता है कि इनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो ग्रीस से थे नाउ द कोडावूज रेजिडेंट्स ऑफ कुर्क वी अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट आप जो कोडावूस हैं इन्हें बोला जाता है रेजिडेंट्स ऑफ कुर्क को कोडावूज बोला जाता है राइट right? कि कुर्क के रहने वाले जो लोग हैं कुर्क के निवासियों को कोडावूज बोला जाता है और वो एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते थे ओके okay? कि देखिए ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि इसने एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहन रखा है ये कोडावू है यानी कि रेजिडेंट ऑफ कुर्क है और इसका एक एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट भी है नाउ नॉन एज कुपिया इट रिजेम्बल्स कुफिया वॉन्ट बाय द अरब्स एंड द कर्ट्स तो ये जो ड्रेस है जो कोडावोज पहनते हैं ये कुपिया के नाम से जानी जाती है और इसे जो है कुफिया से रिजेम्बल किया जाता है जो कि अरब्स और कर्ट्स भी पहनते थे राइट right? तो इसलिए क्योंकि उनकी जो ड्रेस है अरब्स की ओके okay? और इनकी जो ड्रेस है वो लगभग लग सेम है जैसे कुपिया बोला और कोडावो पीपल यानी कि कुर्क पे रहने वाले लोग उसी ड्रेस को पहनते हैं इसीलिए ये माना गया कि इनके जो डिसेंडेंट्स हैं ये जो अब जो डिसेंडेंट्स हैं तो इनके जो पूर्वज थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे अरब से या ग्रीस से क्योंकि ग्रीस का ये माना जाता है क्योंकि उनके जो आ, मार्शल कस्टम्स हैं या मैरिज़ हैं या जो रिलीजियस राइट्स हैं वो सभी ग्रीस से मिलते जुलते हैं ड्रेस इनकी अरब से मिलती जुलती है तो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि इनके जो पूर्वज हैं वो या तो ग्रीस से या अरब से बिलोंग करते थे आप देखिए ब्रेवरी टेल्स ऑफ कुर्क अब जो कुर्क के जो लोग हैं वो बहुत ही इंडिपेंडेंट आप एक तरह से कह सकते हो फ्री कह सकते हो और ब्रेव कंसीडर किए जाते हैं कुर्क पीपल आर वेल नोन फॉर देयर ब्रेवरी बहुत ही वीरता के लिए वो जाने जाते हैं द कुर्क रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी की अगर बात करें तो कुर्क की जो रेजिमेंट है मीन्स कुर्क की जो छावनी है सेना की वो एक डेकोरेटेड का मतलब यहाँ पर है बहुत ही हम कह सकते हैं कि ऑनर्ड एक बहुत सम्मानित एक रेजिमेंट है सम्मानित छावनी है जनरल करियप्पा जो कि फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ थे वो कुर्की ही थे ओके okay, तो हमारे देश की सेना ओके okay, सेना के जो सबसे पहले जो चीफ थे वो थे जनरल करियप्पा आप उनकी पिक्चर यहाँ देख सकते हैं वो कुर्ग से ही संबंध रखते थे वो एक कुर्ग ही कुर्गी ही थे इवन टुडे ओनली द कोडावोज आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस तो आज भी जो है कोडावोज के पास ये अधिकार है कि वो बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स रख सकते हैं मीन्स उन लोगों को एक तरह से देखा जाए तो वीरता का परिचायक माना गया है उनके साथ बहुत सारी ब्रेवरी और बहुत सारी फियरलेसनेस फ्रीडम और बहुत ही ज़्यादा करेज उनके साथ जोड़ कर देखी जाती है इसीलिए लिए कोडावोस जो है मीन्स जो रेजिडेंट्स हैं कुर्क के रहने वाले उनके पास ये अधिकार है कि वो बिना लाइसेंस के अपने पास हथियार रख सकते हैं वाइल्ड लाइफ इन कुर्क देख लेते हैं कुर्क इज़ होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स कुर्क जो है वहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स पाए जाते हैं महासीर लार्ज फ्रेश वॉटर फिश इज फाउंटर महासीर एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है जो कि यहाँ पर पाई जाती है किंग फिशर्स स्किल्स एंड लंगूर्स लिव विदाउट एनी फियर ओके तो काफी एंट्रेस्ट है कुर्क वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड एलिफेंट्स एंजॉय बींग बेथेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माहिफेंट्स पाए जाते हैं जो कि रिवर्स पे उनके बहावत उनको नहला रहे होते हैं स्क्रब कर रहे होते हैं रगड़ रगड़ के नहलाते हैं द रिवर कावेरी गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ कुर्क और जो रिवर कावेरी है वो भी अपना पानी लेती है किससे कुर्की रिवर कुर के जो माउंटेन कुरकी जो हिल्स हैं ओके माउंटेनियस जो हिल्स हैं की वहाँ पर जो बर्फ जमा होती है उससे जब पिघल के पानी आता है नीचे तो वो पानी से आ, कौन सी नदी में जाता है वो पानी कावेरी नदी में कावेरी रिवर में ना कुर्क जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस भी है even the laziest tourists become adventurous on coming to kurg as it is full of adventure sports like river rafting, canoeing, rock climbing etc. तो ऑथर हमें बताते हैं कि जो कुर्ग है वो एक बहुत ही famous tourist place है tourist place का मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं यात्री आते हैं घूमने के लिए और कहते हैं कि इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है यहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हो easily रिवर राफ्टिंग कर सकते हो कैनोइंग कर सकते हो मीन्स बोट चला सकते हो राइट रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हो तो ये सब चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं और इसलिए जो है ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है द क्लाइंट टू ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स स्माइल्स टू मैनी फेसेस एज वन कैन सी द दिनोरमिक व्यू ऑफ कुर्क फ्रॉम देयर और ब्रह्मगिरी हिल्स पर अगर आप क्लाइंब करते हो रिवर राफ्टिंग के हिसाब से या जैसे मान लीजिए रॉक क्लाइंबिंग के हिसाब से तो आपको बहुत ही सुंदर एक जो दृश्य है वो देखने को मिलता है कुर्क का इतनी ऊंचाई से इतनी हाइट से नेचर जो है वो यहाँ पर अपनी बेस्ट फॉर्म में आप एंजॉय कर सकते हो इंडियाज लार्जेस्ट तिर्थन सेटलमेंट बाई बायलाकूप इज इनहैबिटेड बाय मंग्स इन रेड ऑक एंड येलो रॉप्स देर आर मेनी मोर सरप्राइजेस वेटिंग एट कुर फॉर द टूरिस्ट टू डिस्कवर तो देखिए नेचर बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ पर हमें देखने को मिलती है और ये नहीं कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पर एड की हैं ये दरअसल एक निसर्ग धाम एक द्वीप है पास में ही उसकी पिक्चर है एक बायलाकूप की पिक्चर है बायलाकूप जो है यहाँ पर मंग्स पाए जाते हैं मंग्स यानी कि सन्यासी ओके okay? और वो रेड में ओके में एंड येलो रॉप्स में पाए जाते हैं रेड का मतलब लाल ओके का मतलब गेरवा रंग जैसे देखिए जो पहना हुआ है इन्होंने और येलो कलर के कपड़ों में ओके okay? येलो कलर के जो इनके जो प्रॉपर जो ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस हैं मंग्स की उनमें देखने को मिलेंगे आपको बहुत सारे मंग्स एंड निसर्ग धाम एक द्वीप है वो देखने को मिलेगा बायलाकूप जो है यहाँ पर ये आपको मंग्स के देखने को मिलेंगे इसके अलावा भी अगर कोई टूरिस्ट वहाँ पर जाए कुर्क पे तो उनको और भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं हाउ टू रीच कुर्क रीचिंग कुर्क किस तरह से कुर्क में आप पहुँच सकते हो कुर्क कैन बी रीच्ड बाय रोड एंड बाय रेल कुर्क जो है वहाँ पर आप रोड से भी जा सकते हो रेल से भी जा सकते हो वन प्रिफर्स टू गो बाय एयर देन द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर बेंगलोर एंड मैंगलोर और अगर कोई बाय एयर जाता है एयरपोर्ट तो वहाँ पर कहाँ मिलेंगे तो एयरपोर्ट जो है वो मिलेंगे बैंगलोर में या मैंगलोर में और अगर रोड से आप जाओगे तो इट इज़ अराउंड टू टू 260 किलोमीटर फ्रॉम फ्राम बैंगलोर बैंगलोर से इसका जो डिस्टेंस है वो टू टू 260 किलोमीटर पड़ेगा दिस वॉज ऑल अबाउट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ग्लेंसिस ऑफ इंडिया दैट इज कुर्क बाय लोकेश एब्रॉल नाउ इट्स टर्न फॉर द क्वेश्चन आंसर्स आई प्रोवाइडेड यू ऑल द सोल्यूशन ऑफ़ एनसीआर क्वेश्चन आंसर्स

और अब हम आ गए हैं हमारे थर्ड पार्ट पर जो कि है टी फ्रॉम असम एंड इट इज़ रिटन बाय अरुण कुमार दत्ता तो हम चलते हैं असम सबसे पहले आप हाँ देखिए ये इंडिया का मैप और ये हमारा असम एंड दिस असम इज़ फेमस फॉर टी तो ये जो चैप्टर है ये डेफिनेटली जो टी लवर्स हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें हम टी से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं क्या स्टोरी है इस चैप्टर की राजवीरस विजिट टू तो असम अब राजवीर जो है ये बेसिकली एक बच्चा है जो कि दिल्ली में एक स्कूल में पढ़ता है और राजवीर और प्रांजोल जो है वो फ्रेंड्स हैं प्रांजोल एक ऐसा लड़का है जो कि ऑलरेडी असम से बिलोंग करता है पढ़ने के लिए दिल्ली गया हुआ है और उसका फ्रेंड है राजवीर जो कि उसके साथ डेली पढ़ता है अब प्रांजोल जो है वो क्या करता है प्रांजोल जो है वो राजवीर को इनवाइट करता है कि तुम समर वेकेशन में, में मेरे साथ मेरे घर चलो जो कि कहाँ पर है असम में राइट तो राजवीर एंड प्रांचुल आर ट्रेवलिंग टू असम बाय ट्रेन एज हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन तो हमारा चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है वो बात है कि जो राजवीर और प्रांचल है वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं दे आर कमिंग टू असम फ्रॉम डेली डेली में वो पढ़ते हैं समर वेकेशन का टाइम है तो प्रांचल राजवीर को अपने घर ले जाता है राजवीर इज़ वेरी एक्साइटेड टू सी द ब्यूटिफुल सीनरी एंड ऑफ ग्रीनरी एंड ट्री प्लानेशन आउटसाइड रास्ते में राजवीर बहुत खुश होता है ट्रेन से बाहर जब वो देखता है तो बहुत सुंदर जैसे सीनरी है ब्यूटीफुल सीनरी है ग्रीनरी है वहां पर ट्री प्लांटेशन है वहां पर राजवीर टेल्स प्रांजॉल डेट ओवर एटी क्रोर्स कप ऑफ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या होता है कि जैसे उनकी जो ट्रेन है वो चल रही है तो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और जब वो ट्रेन रुकती है तो एक चाय वाला आता है और बोलता है चाय गर्मा गर्म चाय आपने सुना ही होगा इस तरह की आवाज़ें ट्रेन में काफ़ी कॉमन होती हैं तो जैसे वो चाय वाला चाय गर्मा गर्म चाय बोलता है तो फिर प्रांचल राजवीर को बताता है कि तुम्हें पता है कि हर दिन जो है ओवर एटी करोड़ जो कप्स ऑफ टी हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड पिए जाते हैं तो देखिए चाय कितनी ज़्यादा फेमस है थ्रू आउट द वर्ल्ड कि अस्सी करोड़ कप से ज़्यादा कप जो हैं एक दिन में इस संसार में पिए जाते हैं तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली चाय के ऊपर है हम पढ़ेंगे इसमें चाय के पीछे जुड़ी हुई क्या हिस्ट्री है इन सब चीज़ों के बारे में और असम में जब राजवी जाता है तो वहाँ पर जाकर वो कैसा महसूस करता है क्या कुछ देखता है इस बारे में द ब्यूटिफुल टी गार्डन्स तो जो राजवीर है वो ब्यूटिफुल टी गार्डन्स को देखता है राजवीर लुक्स एट द सीनरी आउटसाइड एंड इज मेस्पराइज बाईट इट्स ब्यूटी तो राजवीर जो है वो सीनरी को देखता है बाहर ट्रेन से बाहर जाके और बहुत ही सुंदर उसको लगती है और मेस्पराइज हो जाता है मीन्स एकदम मोहित हो जाता है उस ब्यूटी को देख कर सुंदरता को देख कर नेचर की द व्यू फ्राम द ट्रेन वॉज ऑल्सो पेनॉर्मिक ट्रेन से जो उसको व्यू दिखाई देता है वो बहुत ही पेनॉमिक मीन्स देखने लायक होता है विहंगम दृश्य होता है देर वॉज ग्रीन ट्री आउटसाइड बाहर बहुत ही ग्रीन ट्री थी द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड गेव वे टू टी बुशेज और जो खेत थे पहले तो पेडी यानी कि धान के खेत थे एंड फिर उसके बाद जो है चाय के जो बागान हैं चाय की जो बुशज़ का मतलब झाड़ियाँ होता है वैसे तो लेकिन यहाँ पर चाय के जो बागान हैं वो शुरू हो जाते हैं टी बुशेज स्प्रेड एज फार एज द आई कु अब वो देखता है तो चारों ओर उसको चाय के बागान ही बागान खेत ही खेत उसको नज़र आते हैं चाय के बागान देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं और वैसे भी इट इज़ अ फीस्ट फॉर द आइज व्हेन यू सी दीज टी गार्डन्स एक्चुअली अब देखिए मैं आपको जैसा कि बता रही थी कि चाय के बारे में पता चलेगा कि चाय का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ इसके पीछे दरअसल दो लेजेंड्स फेमस हैं लेजेंड्स अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी कि चाय की जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई चाय के पीछे क्या स्टोरी है कि भी टी जो है उसको डिस्कवर किया गया एंड स्टिल उसको पिया जाता है लेजेंड्स का मतलब क्या होता है लेजेंड्स का मतलब वैसा तो होता है कोई भी प्रसिद्ध कथा ओके कि क्या फेमस बात है इस चीज़ के पीछे कि चाय की डिस्कवरी कैसे हुई

आराम कर रहा था और तभी क्या हुआ कि उसका उसके पीने के लिए पानी गर्म हो रहा था राइट तो उस पानी में क्या हुआ कि कुछ पत्तियां थी वहां पर वो पत्तियां जो है अपने आप ही टूटकर उस पानी में गिर गई और वो पानी बॉयल हो गया पानी के बॉयल होने पे जब किंग ने उस पानी को पिया तो उसको बहुत ही वो टेस्टी लगा ठीक है और यहाँ से लेके और टी जो है प्लांटेशन इसका काम शुरू हो गया तो ये तो है इसके पीछे चाइनीज़ लेजेंड राइट कि चाइनीज़ लेजेंड के अनुसार टी uh, प्लांटेशन जो है वो कैसे शुरू हुआ या चाय बनाना कैसे शुरू हुआ अब एक और लेजेंड है इसके पीछे दैट इज इंडियन लेजेंड इंडियन लेजेंड टेल्स दैट अ बुद्धिस्ट पॉन्ग कट ऑफ हिज आईलेट्स बिकॉज ही फेट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस टेन टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ दीज आइलेट्स द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स वेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक ड्रो अवे स्लीप अब एक और इंडियन लेजेंड भी है देखिए बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों लेजेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि पूछ लिया जाता है कि क्या लेजेंड्स फेमस है बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ टी या फिर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द चाइनीज लेजेंड ऑफ टी एंड व्हाट इज द इंडियन लेजेंड ऑफ टी इंडियन लेजेंड ऑफ टी को समझिए इंडियन लेजेंड ऑफ टी में कहते हैं कि एक बुद्ध धर्म को मानने वाला एक फॉलोवर था ओके okay, बुद्ध मंग था जिसका नाम था बोधि धर्मा ओके okay, तो बौद्ध धर्म जो है वो ध्यान लगाता था मेडिटेशन करता था तो जिसमें वो मेडिटेशन करता था उसको नींद आ जाती थी तो नींद ना आए इसके लिए वो क्या करता था कि अपने जो आईलिट्स हैं मीन्स अपने जो आंखों की जो पलके हैं उसके जो बाल हैं उनको वो काट लेता था ताकि उसको नींद ना आए राइट और उसकी आँखें जो हैं वो खुली रहें वो जो उसके पलकों के बाल हैं ऐसा माना जाता है कि वो जब सॉइल पर गिरे तो उसमें से कुछ पौधे उगाए ओके okay? दस पौधे उगाए और वो जो दस पौधे थे उनके जो लीव्स हैं उनको जब भी पानी में उबाल कर पिया जाता था तो इससे नींद भाग जाती थी नींद दूर हो जाती थी और यहीं से डिस्कवर हुई हमारी टी लीव्स तो दूसरा जो इंडियन लेजेंड है वो ये है बेसिकली चाइनीज को टी लवर्स कंसीडर किया जाता है राजवीर टोल प्रांचल दैट टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन टू थाउजेंड एंड सेवन हंड्रेड बी सी तो राजवीर प्रांचल को बताता है कि सबसे पहले जो है जो टी है वो चाइनीज ने पी थी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड बी सी में वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर ऑफ चाइनीज ऑरिजिन ओके तो चाय चीनी ये जो वर्ड्स हैं ये चाइनीज ऑरिजिन के कंसीडर किए जाते हैं फ्रॉम चाइना स्प्रेड टू यूरोप एंड देन टू एशिया और चाइना से फिर यूरोप में और फिर एशिया में पहुँची टी ड्रंक मोर एज अ मेडिसिन देन एज अ बेवरेज और पहले जो है चाय को एक मेडिसिन के रूप में ज्यादा अच्छा पीना कंसीडर किया जाता था बजाय कि एक बेवरेज में पेय पदार्थ की बजाय दवाई के रूप में इसका यूज किया जाता था तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार चाय कहाँ पी गई थी आप ध्यान रखेंगे टू थाउजेंड में चाइना में पहली बार चाय पी गई थी अवैध देखिए बारीक के बारे में देखिए ये क्या है द बॉयज़ एलाइटेड एट मेरिया जंक्शन सोन तेवर ड्राइविंग टूवर्ड्स डेकिया बारी द टी गार्डन मैनेज बाई प्रांजोल्स फ़ादर तो जो बच्चे हैं वो अभी ट्रेन में ही बातें करते हुए आ रहे थे राइट और ट्रेन से वो दिल्ली से पहुँच गए मैरानी जंक्शन असम में और मेरी जंक्शन में उनके पेरेंट्स से उन्हें रिसीव किया और वो कार में उन्हें बिठा कर डेकिया बारी ले गए अभी डेकिया बारी जो है यहाँ पर टी गार्डन है जिसमें जो प्रांचोल के फादर हैं वो मैनेजर हैं वो मैनेज करते हैं उसे ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन दियर बैग्स एंड वियरिंग प्लास्टिक और वहाँ पे वो देख सकता था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि टी प्लकर्स जिनको बोला यानी कि चाय की जो पत्तियाँ हैं उनको तोड़ा जाता है चुना जाता है प्लक किया जाता है और फिर पीछे उनके बैम्बू बास्केट्स टंगी हुई होती हैं उनके अंदर डाल दिया जाता है भर लिया जाता है उन्होंने प्लास्टिक के ऐप्रिन लगा रखे होते हैं आगे से और वो बहुत ही छोटी छोटी सी जो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स हैं देखिए ये न्यूली स्प्राउटेड लीव है इस तरह से इनको प्लग करके अपने पीछे लगे हुए बैम्बू बास्केट के अंदर डालते हैं चार और उनको वो दिखाई दे रहे थे तो प्रांचोल के फादर ने बताया कि बेस्ट टी इज ऑप्टेन ड्यूरिंग मे टू जुलाई और तुम अभी चाय के बारे में और भी कई बातें जानोगे प्रांचोल के फादर ने राजवीर को बताया और साथ में ये भी बताया कि सबसे अच्छी जो चाय है वो कब ऑप्टेन की जा सकती है मे टू जुलाई के बीच में आप देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं बेसिकली एन सी आर टी के नहीं बल्कि और जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं मैंने वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं एंड दो हज़ार टू क्वेश्चन वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में सब बातें एक्सप्लेन की हैं चाय कब पहली बार पी गई थी राजवीर और प्रांजोल कौन है कहाँ जा रहे हैं ये सब तो स्टोरी इसके पीछे का बैकग्राउंड है इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आप मैंशन कर ही सकते हो लेकिन जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में से वो हैं चाइनीज लेजेंड ऑफ टी क्या है एंड इंडियन लेजेंड ऑफ टी क्या है तो ये चाइनीज लेजेंड ऑफ टी है और ये इंडियन लेजेंड ऑफ टी है बौद्ध धर्मा की स्टोरी टू मैंने जस्ट आपको सुनाई थी एंड विद दिस वी कम टू देंड ऑफ द एक्सप्लेन एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस सेवन चैप्टर ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू